हेलो गाइस, आज हम लोग को डोरेमोन देगा मैजिकल पावर जिससे हम लोग खुद को टाल मैन बना सकते हैं। और ये रहा मैजिकल दुनिया का राज जिसने हमको बहुत ही तंग कर रखा है। वो इसे मारकर हम लोग इस मैजिकल दुनिया से निकल पाएंगे और इसके लिए हमें बहुत ही ताकतवर बनना पड़ेगा जो इस टाल मैन को मार सके। गाइस ये तिकुन बिटन तो मैदान में उतर चुका है, तो चलो गाइस फटाफट से मैं टाल मैन बनकर इस राक्षस की धजिया उड़ा लेता हूँ। और ये देखो नोबिटा तो भागने शुरू हो चुका है। कमल नोबिटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझे पता है कि तुम टाल मैन बनकर इस राक्षस की धजिया उड़ाने वाली हो। ये इस राक्षस की क्या धजिया उड़ाएगा, ये तो बार बार स्ट्रैप से टक्कर रहा है। नोबिटा देख कर आगे बहुत ही बड़ा ट्रैपर है। और ये देखो मैंने जाम किया और मैं इस ट्रैपर से बच गया। देखते हैं मैं इस राक्षस को मार पाऊंगा या फिर नहीं। नोबिटा देख कर आगे काफी सारे बैरियर्स हैं। आज तो राक्षस को मारने गया तो दो बैरियर से टकराने से ही मार गया। अरे हटो नोबिटा, तुमसे ना हो पाएगा, लगता है मुझे इस राक्षस को टाल मैन बनकर मारना होगा। अरे बॉस देखकर ये राक्षस काफी ज्यादा खतरनाक है, कहीं आपको मार ही ना डाले। लगता है तुम लोगों को पता नहीं है मेरे पास काफी पावर है और मैं इस राक्षस को एक ही गुस्से से मार डालूंगा। तो चलो गाइस देखते हैं जी आर इस राक्षस को मार पाएगा या फिर नहीं। जी आर ने तो भागना शुरू कर दिया है। जी आर तुम्हें टाल मैन बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम तो पहले से ही कैंडी हो। तुम्हारा एक गुस्सा ही काफी है इस राक्षस को मारने के लिए। ओ माय गॉड, जी आर तो रियली एक टाल मैन जैसा दिख रहा है। अरे अभी तुम देखना जी आर की पावर कैसे कम होती है, लेकिन जी आर ने तो जंप कर दिया और ये बच गया। हाँ ना बेटा, तुम फिक्र मत करो क्योंकि आगे बैरियर्स हैं और जी आर से टकर कर मार जाएगा। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी। और ये देखो मैं बैरियर से कैसे बच कर निकल गया। असल मुकाबला तो अब तुम्हारा इस राक्षस से होने वाला है। देखते हैं तुम इन बैरियर को पार करके इस राक्षस को मार पाओगे या नहीं। कमोन कमोन, मैंने इस राक्षस को मारना, ये मैंने जंप की और ये फ्लाइंग किक से मैंने इस राक्षस को मार डाला। अरे वाह यार, तुमने तो इसकी हड्डी पसली तोड़ कर इसकी चटनी निकाल डाली। ठीक गाइस, ये देखो हम लोग तो नेक्स्ट लेवल में आ चुके हैं और अब हम लोगों ने इस राक्षस के घर पर हमला करके इसके सारे सैनिक चुरा लेना है। लेकिन सिंचान, तुम इस राक्षस की सिक्योरिटी को कैसे तोड़ोगे? बुरी बुरी, वो मेरा काम है। ये देखो मैंने अपने साथ काफी सारे बंदूक रखना शुरू कर दिया है जो इस राक्षस की सिक्योरिटी पर हमला करके इसको तोड़ डालेंगे। और सिंचान, तुम्हें टाल बनने के लिए मेरी इन मैजिकल पावर को यूज करना होगा। और देख देख कर सिंचान, तुम तो काफी तेजी से सिक्योरिटी गार्ड की तरफ बढ़े हो। ये टेडी बिल्ली इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? तुम चुप करो, अब लड़ाई का वक्त आ चुका है। और सिंचान ने तो इनकी सिक्योरिटी पर हमला करना शुरू कर दिया और उसने तो इनको मार डाला। बुरी बुरी, हम लोग इसके घर जाकर सरस से चुरा लेते हैं। और अब इस राक्षस को मारने की मेरी बारी है। ये नीली बिल्ली से क्या मारेगी, इस राक्षस का एक गुस्सा पड़ने से तो ये अपनी दुनिया में वापस चला जाएगा। मुझे नहीं लगता कि डोरेमोन आखिर तक पहुंच पाएगा क्योंकि ये लेवल काफी खतरनाक है। लगता है तुम्हें पता नहीं है मैं खतरों का खिलाड़ी हूँ। और अब तुम देखते जाओ मैं इन वाल को कैसे पार कर इस राक्षस को मार डालूंगा। अरे कमोन डोरेमोन, मैं तो तुम्हारे साथ ही, मुझे पता है कि तुम इस राक्षस की धजिया उड़ाने वाले हो। कमोन डोरेमोन, तुम्हारा ये राक्षस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हे डोरेमोन, तुम्हें ज्यादा पावर देने के लिए हमने यहाँ पर डोरा केक रखे हैं, इन्हें जल्दी से खा लो। हाँ, इन डोरा केक को खाकर तो मेरी पावर और ज्यादा हो जाएगी। इसे हमने काफी उल्लू बनाया, डोरा केक नहीं बल्कि ये तो एटम बम थे। अरे मोटे गैंडे, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा, पहले मैं इस राक्षस को मिटा लूं फिर तुम्हारी बारी है। डोरेमोन, तुम्हारी पावर कम होने की वजह से तुम कुछ बैरियर को ही पार कर सके हो। मुझे कोई नहीं हरा सकता, तुमको मैं चुन चुन कर मार डालूंगा। तो चलो गाइस, मेरी बारी है इस राक्षस से लड़ने की। गाइस आपका क्या ख्याल है कि सुनियो, इस राक्षस को मार पाएगा ये नहीं, कमेंट में यस या नो लिख दो। अरे बुद्धू ना बेटा, लगता है तुम्हें पता नहीं है मेरे पापा ने मुझे एक नया आउटफिट दिया है जिससे मैं इस राक्षस को बहुत ही जल्दी मार पाऊंगा। राक्षस को बाद में मारना है, आगे देखो आगे पानी है। अरे बाप रे, पानी तो काफी ठंडा है, मुझे जल्दी से इसे बाहर निकलना पड़ेगा। ओ माय गॉड गाइस, सुनियो की हाइट कितनी ऊंची हो चुकी है। बूम बूम गाइस, ये देखो मुझे इस आउटफिट में एक रॉकेट भी मिला जिससे मैं उड़ सकता हूँ। अरे वाह सुनियो, तुम तो काफी तेजी से जा रहे हो, मुझे लगता है तुम इस राक्षस को बहुत ही जल्दी मारने वाले हो। ओ माय गॉड गाइस, सुनियो को तो काफी सारे डायमंड भी मिल रहे हैं, ये तो काफी अमीर होने वाला है। हाँ ये सब कुछ मेरे गैजेट का कमाल है, वरना तुम्हें ये रॉकेट और हाइट कभी ना मिलती। अरे चल झूठा, ये तो मेरे पापा ने मुझे दिया है। अब तुम देखते जाओ, मैं नीचे उतर चुका हूँ और अब मैं इस राक्षस को नहीं छोड़ूंगा। तो गाइस अगर सुनियो ने इस राक्षस को मार दिया तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है। देखते हैं सुनियो इस राक्षस तक पहुँच पाएगा या नहीं। और ये मैंने फ्लाइंग किक इस राक्षस को मार डाली और अब देखते हैं राक्षस नीचे गिरेगा या नहीं। अरे वहाँ सुनियो, तुम तो कमाल के निकले, इस राक्षस को तुमने मार दिया, तुम्हें काफी सारे पैसे भी मिले। गाइस अब मेरी बारी इस राक्षस से लड़ने की, लेकिन लिटरली मुझे तो आगे बढ़ने का जी नहीं चाह रहा क्योंकि मुझे इससे काफी डर लग रहा है। वो चाहे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि इस बार तुम्हें सिंह भी मिल चुके हैं।
चलो चलो अब मैं भागना शुरू करता हूँ। इन सिंह को तो मैं इस राक्षस के सीने पर मारकर सारा सीना खोल डालूंगा। मुझे लगता है कि उतरंगी किस्म का सूट और ये सिंह इस राक्षस को मार सकते हैं। अरे हाँ, मुझे तो लगता है ये सिंह राक्षस के साथ टकरते ही मर जाएंगे। पर अब चलते हैं इस फाइनल लाइन के पास से। अरे नहीं नहीं, मुझे आगे नहीं बढ़ना, मुझे काफी डर लग रहा है। कमल टकरे आगे बढ़ना, नहीं ये राक्षस तुम्हें फूंक से उड़ा डालेगा। ओके ओके, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखते हैं ये इस बैरियर को तोड़ पाएगा या नहीं। कमों कमों, मैंने साइबेरियर को तोड़ लिया। अरे ये क्या, मैं तो लास्ट तक नहीं पहुंच पाया। पूछें तो इस राक्षस से लड़ने से पहले ही मर गया। तो चलो गाइस, अब इस राक्षस से लड़ने की मेरी बारी है। लेकिन अगर आप लोग इस बार लाइक करेंगे तो मैं इस राक्षस को मार डालूंगा। बॉस ना बेटा, तो भागने शुरू हो चुका है। अरे इसे भागने दो, इस बार भी देखना ये राक्षस से लड़ने से पहले ही बैरियर से टकर कर मर जाएगा। अरे इस बार तुम्हें पता नहीं है मेरे पास कितनी ज्यादा शक्ति है, और तुम लोग देखते जाओ मैं इस राक्षस से कैसे लड़ूंगा। देख कर नोबिटा, आगे तो बम्प ही है। नोबिटा तो इस बम्प से बच गया, लेकिन आगे पानी है, मुझे नहीं लगता कि इसमें बच पाएगा। चाहिए जब भी हो, लेकिन इस बार नोबिटा काफी टाल बन चुका है और इस राक्षस से लड़ने के लिए भी काफी पावरफुल है। अरे वाह गाइस, ये देखो मेरे पास कितनी ज्यादा पावर आ चुकी है, और अब तुम लोग देखते जाओ मैं इस राक्षस से कैसे मुकाबला करूंगा। अरे बैटरी, तुम्हें शिज़ुका बुला रही थी। नोबिटा तुम इस मोटे गैंडे की दिखावे में मत आओ, ये भी तुम्हें ट्रैप करना चाहता है। नोबिटा देखकर अब तुम्हारी इस राक्षस से लड़ने की बारी आ चुकी है। हमें पता है कि इस बैरियर से टकरते ही मार जाएगा। कमन कमन, मैंने सारे बैरियर को तोड़ डाला। अरे वाह, मैंने तो सारे बैरियर को तोड़ डाला, अब इस राक्षस से लड़ने की बारी है। अरे वाह नोबिटा, तुम्हारी किक से तो ये राक्षस नीचे गिर रहा है। बूम बूम गाइस, मैंने तो इस राक्षस को मार दिया। आप लोग फटाफट से कमेंट में नोबिटा भी लिख दो। और ये देखो गाइस, अब मेरी बारी है, और मैंने तो अपने लिए गोल्ड का सूट और एक कैप भी ले लिया है। चैन, तुम्हारे ये सूट तो काफी महंगा लग रहा है, तुमने कितने डॉलर का लिया है? तुम्हारी सुनकर दर्जिया उड़ जाएंगी, ये 1,00,000 डॉलर का है। तो गाइस आप देखते हैं जी आनी सूट में इस राक्षस को मार पाएगा या नहीं। जान देकर ये लेवल इस बार काफी मुश्किल है। आगे तो काफी सारे बम्प है, अब तुम क्या करोगे? ओह माय गॉड, जान ने तो जंप कर दिया, इन बम्प से बच चुका है। और जान तो अपनी हाइट को काफी बड़ा करता जा रहा है, मुझे लगता है ना इस बार फिर से राक्षस को मार डालेगा। ये देखो, मुझे तो मैजिकल पावर मिल चुकी है, जिससे मेरा कद छोटा या बड़ा हो सकता है। और जान, मैं तो कहता हूँ तुम अपनी हाइट को सबसे बड़ा कर डालो। ओ तेरे की गाइस, ये क्या जान की हाइट इतनी ऊंची कैसे हो सकती है? हाँ, मैंने कहा था ना इस बार मुझे मैजिकल पावर मिली है, अब तो मैं इस राक्षस की धज्जियां उड़ा दूंगा फिर से। जान ज्यादा किस्मत, क्योंकि अभी तुमने इन सारे बैरियर को पार करना है। तुम्हें पता नहीं है मेरे गोल्ड सूट को ये बैरियर नहीं तोड़ सकते। अब जान तो इस राक्षस को किक मारने जा रहा है। और ये मैंने किक मारी, अरे वाह, मैंने तो इसको नीचे गिरा दिया। गाइस इस बार हमारे 1000 लाइक है, आप लोग फटाफट से लाइक कर दो। तो चलो गाइस, अब मेरी बारी है। और ये कैसे हो सकता है, डोरेमोन के पास ऐसा महंगा सूट कैसे आ सकता है? हाँ, ये सब कुछ मेरी मैजिकल पावर का कमाल है। अब तुम लोग देखते जाओ, इस बार मैं भी इस राक्षस को मार डालूंगा। डोरेमोन, अगर तुम मुझे ये महंगा सूट दे दोगे तो मैं तुम्हें शिमला मिर्च का खाना खिलाऊंगा। अरे जी जी, क्या तुम मुझे शिमला मिर्च खिलाओगे? मैं तो तुम्हें ये सूट कभी भी नहीं दूंगा। आगे तो काफी सारे बैरियर है, तुम इससे कैसे बचोगे? बहुत डोरेमोन तो इस बार काफी शातिर हो चुका है, तो धीरे धीरे जा रहा है। इतनी कम हाइट से तो ये डोरेमोन को राक्षस एक ही गुस्सा मार के मार डालेगा। ये रही मेरी मैजिकल पावर। और अब इससे डोरेमोन भी दुबला या फिर लंबा हो सकता है। ओ माय गॉड, डोरेमोन इतना दुबला और लंबा हो गया है, अब तो इस राक्षस को एक ही गुस्सा मार के मार डालेगा। डोरेमोन तो काफी गुस्से में लग रही है, तो काफी तेजी से इन बैरियर को तोड़ रहा है। और ये मैंने जंप की और अपनी फ्लाइंग किक से इस राक्षस को मार डाला। तो चलो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आप लोगों ने भी ये टाल बैन बनना है तो ज्यादा सारे लाइक्स कर दो। हाँ, इन दोनों में से एक वीडियो जरूर देख लेना।